न्यू सिटी बैंक की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर यास्मिन ने जब लकी को बैंक में नहीं पाया तो उसे थोड़ा टेंशन होने लगा और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। इस प्रेस्टीजियस बैंक में नई नई नौकरी थी उसकी और इसलिए खुद की नौकरी बचाने का उसे डर भी था। वो इधर उधर देखने लकी लेकिन लकी कहीं दिख नहीं रहा था। बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मिन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। उफ, चलो जान बची। यास्मिन इतना सोच ही रही थी कि तभी उससे देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्च के बाहर खड़ा था। अब यास्मिन को भी वो मिल तो गया था लेकिन लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोग का उठना बैठना होता था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहाँ आकर बात किया करते। अब अगर लकी वहां खुश आता तो वो सब लोग मिलकर यास्मिन का जीना और उसकी नौकरी दोनों हराम कर देते। इसलिए यास्मिन जल्दी जल्दी में लकी की तरफ जाते हुए चिल्लाई, रुक जाओ, जाओ वहीं खड़े रहो। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मिन की ये चीख सुनकर डर गए। यास्मिन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। अरे यार, ये आदमी है या कथा, यास्मिन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश भी की लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया, अब क्या होगा भाई। यास्मिन की सांसें फूल रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था कि ना जाने अंदर लकी और बैंक मैनेजर के बीच क्या बातें हो रही होगी। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ वहां का मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप, उसके मुंह से बिना लकी को देखे ये शब्द निकले। उसे पता था किस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मिन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती, लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें, मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। दरअसल मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ, लकी ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। पैसे, तुम्हारे पास कार्ड है क्या, सुप्रीम कार्ड, मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा। नहीं, मेरे पास कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते, सॉरी, चलो अब दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलो, निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर बैठ गया। नहीं अब मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊँगा, मुझे मैसेज आया है, लकी भी जिद पर अड़ गया। आजकल मैसेज से पैसे नहीं मिलते, सिर्फ धोखा मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तब तो निकलेगा ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो आया हूँ, देखिए ना ये मैसेज, लकी ने कहा। देख फालतू की बहस ना कर, चुपचाप निकल जा वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगा और वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे, लकी ये सुनकर घबरा गया। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले उसके पास कोई कार्ड ना हो लेकिन उसे उसी बैंक में से मैसेज आया था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था लकी का डर भी अब बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था और वो उसे धक्का मार कर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी को एक मैसेज में लिखी एक बात याद आई, फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट, मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। आपको कार्ड चाहिए जो मेरे पास नहीं है लेकिन फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ ना फिंगरप्रिंट भी वैलिड है। ये कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली लेकिन मैनेजर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो, मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। जी हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन हाथ में ले ली। चुपचाप यहां अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा।
लकी ने अपने फटी हुई पैंट के पीछे वाले हिस्से में अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती चल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। सुन, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे कोई वो बहुत बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कुछ निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख तो लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरीके से घबरा गया। उसे मालूम था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। अब कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा कि वो मैसेज फेक और फ्रॉड ही था। मैनेजर पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो। अब बस मुझे एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा देने दीजिए बस। लकी ने मैनेजर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर ये उंगली भी नहीं लगी ना, तो फिर ये मत कहना कि मैं हर एक उंगली ट्राई करके देखता हूँ। अगर ये वाली काम नहीं आई, सीधा पुलिस को फोन लगा दूंगा। मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर उसने पुलिस का नंबर खोल लिया था और उसका अंगूठा कॉल बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज़ आई। इस बार वो चमक कर हरी होटी। तभी मैनेजर के फोन पर एक मैसेज आया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने यह मैसेज देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मशीन में चमकती लाइट को देखते ही लकी की आंखें भी चमक उठी थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम गया। फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उसे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसियाकर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण जी, मुझे माफ कर देना सर, मैं इस ब्रांच में नया नया आया हूँ और इसलिए मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। इस ब्रांच का मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ मैं सर, प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखिएगा सर। लकी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने मोबाइल में उस मैसेज को देखने लगा जो उसे थोड़ी देर पहले आया था। दरअसल उस मैसेज में लिखा था, परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। उस गरीबी अभ्यास परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान ने उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी परीक्षा पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब रह जाएगा। लकी बैंक मैनेजर से कहता है, हाँ ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। लकी ने कहा और अब वो सोफे पर बैठ गया। मैनेजर ने अपने फोन पर इधर उधर उंगलियां चलाई और बोला, सर आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए। शशिकांत के होश इतनी बड़ी रकम देखने के बाद तोड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लकी की उम्र 20 से 22 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। शशिकांत अपने मन में यही सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। मैनेजर आगे कहता है, और सर खाते के साथ एक लॉकर भी है, उसमें रखी हुई चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। तो सर उस लॉकर में एक फरारी की चाबी और उससे रिलेटेड कुछ पेपर्स हैं। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हैं, 5 किलो सोने की 20 ईंटें, पिकासो की 3 असली पेंटिंग, 20 हीरे 24 कैरेट के, और भी बहुत कुछ है सर, मैनेजर ने हाफते हुए कहा और पसीना पोंछने लगा। इतना सारा धन देखने के बाद तो शशिकांत की आंखें ही बाहर निकलने वाली थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास थी, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो मुझे एक कार्ड दे दो, लकी ने अपने दोनों हाथ को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी जी, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, बस 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और लकी के सामने से निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन में फिर से उस मैसेज को खोल कर देखा, उतनी देर में मैनेजर उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया। उसने उस कार्ड पर
लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवाल दिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर आपको ईमेल हो जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया और बाहर निकलने लगा। शशिकांत उसे बाहर एस्कॉर्ट करता है। दोनों कैबिन के बाहर आते, लेकिन बाहर आकर दोनों जो नज़ारा देखते हैं उससे शशिकांत और लकी दोनों को धक्का लगता है। कैबिन के बाहर यास्मीन बैंक के दो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़ी हुई थी और गार्ड्स अपनी बंदूक लकी की ओर ताने हुए थे। यास्मीन गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देती है, गार्ड्स पकड़ लो इस धोखेबाज इंसान को। लकी ये नज़ारा कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन शशिकांत ये नज़ारा देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। ये क्या बदतमीजी है यास्मीन? सर ये फ्रॉड जबरदस्ती बैंक में घुसाया था और मना करने के बावजूद इस केबिन में? शशिकांत गुस्से में यास्मीन की बात काटते हुए कहता है, इनफ यास्मीन, ये कोई धोखेबाज फ्रॉड नहीं बल्कि अग्रवाल खानदान का वारिस है। तुम्हारी और मेरी सात पुश्तें मिलकर भी ना नहीं कमा पाएंगी उतने पैसे इनके अकाउंट में है। लकी इस पूरे मामले को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स मिस्टर शशिकांत, गलतियां इंसान से ही होती हैं। फिर यास्मीन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, मिस यास्मीन, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या पता उस बुक की कहानी कब सुपरहिट हो जाए। 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का मालिक होने के बाद लकी में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया था। शशिकांत अब धीमी आवाज में यास्मीन से कहता है, यास्मीन माफी मांगो इनसे अभी। यास्मीन एम्बेरस हो चुकी थी, वो डर गई थी, अब टेबल टर्न हो गए थे। अब अगर लकी चाहता तो उसे नौकरी से निकलवा सकता था। वो सहमी सी आवाज में बोलती है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी सर, यास्मीन ने कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी और तुमने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। इधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया। पैसा इंसान को बनाता भी और बिगाड़ता भी, लेकिन आखिर राज क्या था इस 100 करोड़ की जायदाद का, और आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज में पढ़ता था। दूसरे दिन जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसके पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गए। ओ शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूते को पास वाली सड़क पर साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भर पा रहे थे। जब भी लकी इस चीज की कंप्लेन करता तो वो उसे ये कह देते कि फंड ही नहीं है। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया। वो एक पल तो मुस्कुराए और उसने सोचा, सालों लगे किस्मत पर लगा कीचड़ साफ होते हुए, तब जूतों और कपड़ों पर कीचड़ लगने लगा। वो बाथरूम की ओर जा पाता इतने में क्लास की घंटी बज गई। वो भागते हुए क्लास पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत कर दी। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी तो उनकी आंखें निराशा से भर आई। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया और उसे अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, और इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही एक ऐसे प्रोफेसर थे जो उसे समझते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे उसके पैर क्लास में पड़े तो सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे इसकी पैंट तो देखो यार, कितनी गंदी है भाई, क्लास में लड़कियां भी होती है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आता, एक लड़के ने कहा। और ये सुनकर उसके पास में बैठी लड़की उसके ऊपर हंसने लगी और बोली, अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़े के लिए पैसे लगते हैं, इससे जो फटे पुराने कपड़े पहने ना इसके लिए यही बहुत है। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फपतियां कसनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज पहली दफा सुन रहा था, इस तरह की फपतियां का सामना वो हर रोज करता। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता, और आज भी उसने अपना सिर तो नीचे झुका ही रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि आज ये सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि किस्मत से भी लकी बन गया था। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, साइलेंस, अगर तुम लोग इस तरह से बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सब लोग उसकी बात सुनकर शांत हो गए। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने क्यों उनकी नजर बार बार लकी की ओर ही जा रही थी।
लकी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कमलनाथ जी जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लकी के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने ही प्रोफेसर की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा था। थोड़ी देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई। आज की क्लास यही खत्म होती है, कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, कल मिलते हैं, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास के बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, हे माय वाइल्ड कैट। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी तो सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां कोई और नहीं बल्कि डिंपल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। सब लोग राहुल को अच्छी तरीके से जानते थे। राहुल धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिंपल के पास चला गया। डिंपल खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिंपल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिंपल को सबके सामने झूम लिया। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर अब जा टिकी। सबको अभी तक यही पता था कि डिंपल तो लकी की गर्लफ्रेंड थी। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। डिंपल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग लग गई, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा रहा और उसने अपने गुस्से पर काबू कर रखा था। लकी, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक दोस्त ने आकर लकी से कहा, होने दे जो हो रहा है यार, लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का मन नहीं था। अरे भाई, तुझे पता है ये राहुल कितना चालू आदमी है? अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका और ये छठी है, लकी के दोस्त प्रीतम ने उसे कहा। उसकी बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लग गया था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिंपल की ओर देखने लगा, जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिंपल की नजर भी लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी सुनो, अचानक से डिंपल लकी के सामने रुकी। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं इसलिए मुझे तुम्हारे इस कवर की भी कोई जरूरत नहीं है, रख लो इसे अपने पास। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर अपनी टेबल पर रख लिया। बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया, कवर कौन गिफ्ट कर देता है भाई, राहुल ने उसके सामने ही डिंपल से कहा। राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिंपल ने राहुल की ओर देखा और लकी को ताना मारते हुए बोली, बेबी, जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होती वो सिर्फ कवर ही गिफ्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें नया फोन दिलवाता हूँ, आ जाओ चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां से लाते हैं बेबी के लिए नया नया फोन, राहुल ने कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले ना हम एक नया फोन खरीदेंगे और फिर उस फोन की पार्टी भी करेंगे और उसके बाद आज ये वाइल्ड कैट ना अपने टाइगर के साथ, डिंपल ने कहा। राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल और लकी दोनों उसके इशारे को समझ गए। लकी जानता था कि वो ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मनी मन यही सोच रहा था कि अगर डिंपल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद देता। भाई, तेरे सामने ये सब क्या हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा तुझे, प्रीतम ने पूछा। नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए चल यार, लकी ने बड़े आराम से कहा और फिर राहुल और डिंपल की ओर देखने लगा। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भभक गए। दोनों के दोनों ये सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसका और डिंपल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिंपल राहुल से बोली, चले बेबी, बेबी नहीं हबी, आज से तुम मुझे बोलो कि हबी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी, राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिंपल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जलपुन तो गया था और इसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने शांति से कहा, डिंपल ये सब क्यों कर रही हो, क्या दिखाना चाहती हो इन सबसे? लकी को डिंपल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर नहीं था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया। उसने गुस्से में अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए वडी चर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद अगर तूने मेरी डिंपल के बारे में कुछ भी कहा ना या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं राजपथ पर ना तेरी परेड करवा दूंगा, सुन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
मैं गिरे हुए पैसे ना एक बार उठा लूंगा, क्योंकि वो किसी के तो काम लगेंगे, लेकिन गिरे हुए लोग और गिरे हुए रिश्तों में मैं पलट कर नहीं देखता। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लकी था जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो गया। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तान कर उसकी दिशा में बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, टिम्पल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से में टिम्पल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू ना हद से आगे बढ़ती जा रही है डिम्पल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ लगी पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर ना डूब मरना चाहिए। सुन साक्षी, ये तू कह रही है, जुबान संभाल अपनी, डिम्पल ने कहा। राहुल के बारे में बुराई नहीं बल्कि लकी के बारे में अच्छी बात सुन लेने से डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लिया करती। मैं जो कह रही हूँ ना सही कह रही हूँ, तुझे शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी सोचा नहीं था तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा लड़का तुझे नहीं मिलने वाला, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए, लेकिन वो सच बोल रही थी इसलिए राहुल कुछ नहीं कर सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तू इतना जल्दी कैसे भूल गई कि लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहा था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरे खड़े होने की हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई लेकर आता था। तुझे याद नहीं है जब हम सब हिमालय घूमने गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी? ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है? साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था, उसका बस चलता था, वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी से छोटी डिमांड को पूरी करने के लिए अपनी जान लगा देता। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। लकी को जैसे ये सब याद आया उसकी पलकों की कोरे भीग गई। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी और उसने आगे कहा, अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में भी रोज तेरे लिए गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता? मुझे पता है। आज भी एक बाइक खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा है, रोज ना दाल रोटी खाता है सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? हाँ, डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। साक्षी की कही सारी बातें उसके दिल पर लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी। उसका हाथ राहुल की कमर में था और वो चाह कर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी, इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये प्रॉब्लम इसका है ना, मैंने इससे पहले ही कहा था ये मेरा प्यार ना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ ही इतना आगे बढ़ा? हाँ, आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं? लकी उसकी सब बात सुन रहा था और उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से मैसेज था। लकी फोन का मैसेज ओपन करते हुए वहां से दूर चला गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठकर चला गया, चलो अभी। डिम्पल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन का मैसेज पढ़कर लकी सुन पड़ गया था। लकी के फोन पर उसे हैरान कर देने वाला एक और मैसेज आया। आखिर ये चौंकाने वाला मैसेज क्या था और किसने भेजा था? क्या लकी की तकदीर में जिंदगी में कुछ और भी बड़ा होना लिखा था?